कल यानी 9 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। पीएम के साथ कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ली और पूरा देश इस शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बना है। लेकिन अभी बाकी बचे सांसदों का शपथ ग्रहण भी होना है। जल्द ही वे भी 18वीं लोकसभा की पहली बैठक में शपथ लेंगे। पर क्या आप जानते हैं कि सांसद और मंत्री पद की शपथ क्यों ली जाती है और उसको तोड़ने पर कितनी सजा मिलती है? तो चलिए आपको वो भी बता देते हैं। सबसे पहले जानिए कि आखिर कब शपथ ग्रहण का ये सिलसिला शुरू हुआ था। दरअसल सियासी जानकारों का मानना है कि हमारे देश में शपथ ग्रहण की परंपरा काफी पुरानी है। हमेशा से ही देश में ईश्वर या प्रकृति को साक्षी मानकर शपथ ली जाती है। वहीं बाद में जब अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ तो उन्होंने धार्मिक पुस्तकों से शपथ दिलाना शुरू कर दिया। वहीं जब जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार पीएम पद की शपथ ली तब तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें शपथ दिलाई थी। उसी के बाद से सभी सांसदों, विधायकों, प्रधानमंत्री, मंत्रियों और दूसरे किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति को संविधान के प्रति श्रद्धा की शपथ लेनी होती है। संवैधानिक पद संभालने के लिए शपथ एक बेहद जरूरी प्रक्रिया है। इसके बाद ही किसी सरकारी कामकाज और सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया जा सकता है, अन्यथा व्यक्ति को इसकी अनुमति नहीं मिलती है। वहीं अब जानिए कि अब शपथ तोड़ने पर क्या होता है। संवैधानिक पद के लिए शपथ लेने वाले व्यक्ति अगर गोपनीयता की मर्यादा भंग करते हैं तो उन्हें हटाने के लिए भी एक खास प्रक्रिया होती है जिसे महाभियोग कहा जाता है। आमतौर पर इसमें किसी तरह का आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होता, लेकिन अगर इसमें गबन का मामला बनता है तो आपराधिक केस दर्ज किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।